आज चुनाव आयोग की अहम बैठक हुई जिसमें बिहार चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि 29 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव करा लिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ देश की एक लोकसभा और अन्य प्रदेशों की 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होगा। ये जानकारी चुनाव आयोग ने आज जारी की है। इस बैठक में सभी प्रदेशों के चुनाव अधिकारियों की रिपोर्ट की समीक्षा भी की गई। कई राज्यों ने कोरोना और बाढ़ के कारण उपचुनाव को आगे बढ़ाने की मांग की थी। बैठक में इन मांगों को खारिज कर चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। हालांकि अभी बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग की ओर से चुनाव शेड्यूल जारी किया जा सकता है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ऐसी शख्सियत हैं जिनके एजेंडे पर लालू यादव को हराना रहा है। मोटे तौर पर माना जाता है कि उनके एजेंडे को मानकर ही प्रदेश में बीजेपी भी राजनीति करती है, लेकिन इस बार एनडीए को अपने ही कुनबे से चुनौती मिल रही है। एनडीए की घटक लोक जनशक्ति पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र लॉन्च कर दिया है। पार्टी ने बिहार, दिल्ली और मुंबई के महत्वपूर्ण अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाया है, जिसमें आह्वान किया गया है कि नया बिहार और युवा बिहार बनाने के लिए सभी बिहारी भाइयों बहनों को युवा बिहारी चिराग पासवान के साथ चलना होगा। इस विज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यही समय है जब बिहार के अस्मिता की लड़ाई सभी बिहारी को लड़नी होगी। लोक जनशक्ति पार्टी सभी जाति धर्म में आस्था रखती है और सभी को हमेशा से साथ लेकर चलती रही। विज्ञापन में धर्म न जात करें, सबकी बात करें पार्टी के पुराने टैगलाइन को दोहराया गया है। जाहिर है कि इसे सीधे तौर पर सीएम नीतीश के लिए ही चुनौती मानी जा रही है। इसी बीच इस मुद्दे को लेकर हाल ही में एनडीए में शामिल हुए जीतन राम मांझी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एलजेपी जेडीयू के खिलाफ ना जाए वरना मैं खड़ा हूँ। मांझी ने कहा कि एलजेपी अगर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेगी तो सभी एलजेपी की सीट के खिलाफ मेरा उम्मीदवार होगा। नीतीश के खिलाफ एलजेपी की बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिराग आवाज उठाएंगे तो जवाब मैं दूंगा। मांझी ने कहा कि रामविलास पासवान ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया है। मांझी ने आगे कहा कि वो सिर्फ फायदे के लिए काम नहीं करते हैं। मुझे एनडीए में राज्यपाल बनाया जा रहा था पर मैं नहीं बना। मांझी ने यह भी कहा कि इस बार चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। एलजेपी 3642 के फेर में फंस गई है। 3642 के फेर को समझें तो पिछले चुनाव के फार्मूले पर अगर सीट का बंटवारा होगा तो लोजपा के अनुसार उसका दावा 42 सीटों पर बनता है। ये दावा लोकसभा की 7 सीटों के आधार पर पार्टी ने तय किया है। सूत्र बताते हैं कि एनडीए में उनको 36 सीट पर मनाने की तैयारी है। ऐसे रणनीतिकारों का मानना है कि पिछले चुनाव का ही फार्मूला इस बार भी होगा। विधानसभा के लिए रामविलास पासवान के लिए छोड़ी गई राज्यसभा की सीट की गिनती नहीं होगी। इस प्रकार लोजपा 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उस हिसाब से उसका दावा 36 विधानसभा सीटों का ही बनता है। बहरहाल एलजेपी ने संसदीय बोर्ड की बैठक में विकल्प पर भी चर्चा करने का फैसला किया है। इसके पहले भी चिराग पासवान बोल चुके हैं कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।